हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। ओके, इज एवरीथिंग फाइन? सो मेरी आवाज आई थिंक आपको सुनाई दे रही हो, आई होप। मुझे लग रहा होगा कि शायद आप सभी लोगों को इफ ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? सो नाउ आज के इस सेशन में हम सभी लोग कंप्लीट लर्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, राइट, है ना, ताकि हम सभी को बेहतर तरीके से सभी को समझ में आएगा, राइट। एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, वंस अगेन यू हैव टू शेयर दिस सेशन एंड लाइक दिस सेशन, राइट। एक बार सभी लोग सेशंस को शेयर कर दीजिए और सेशंस को लाइक कर दीजिए, ओके। एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, दे ऑल आर रियली वेरी सीरियस अबाउट दिस सेशन बिकॉज दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू ऑल गाइज, ओके। चलिए, रेडी हैं आप सभी लोग, राइट, है ना। आज जो डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये सभी अन अकेडमी के टॉप लर्नर्स हैं, राइट। आप भी अन अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग माई रेफरल कोड अन अकेडमी। जून एक्सटेंशन ऑफर का लास्ट डेट है, राइट। अभ्यर्थी से अधिकारी तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल स्टार बैचेज ऑप्शनल, राइट, है ना। ये दो चार चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। ऑफलाइन में भी ले सकते हो। तो मेरे कोड में कहने का मतलब एक ही चीज़ है कि अन अकेडमी पे अगर आप ज्वाइन करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, अन अकेडमी से कोई भी कॉल आता है तो इस कोड को यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप एक साथ फी पे कर सकते हो या नहीं तो यू कैन पे थ्रू द EMI मंथली, जिसको हम किस्त पे कहते हैं, जिसको हम लोग किस पर कहते हैं, किस्तों पर कहते हैं, राइट। मेरे प्यारे बच्चे, ये मिनिमम खर्चा है। अगर आप यहाँ दिल्ली में आओगे, ओके, तो आपको 8 से 12 हज़ार रुपये तक का तो आपको तो रूम रेंट जाएगा, ठीक है। फिर खाने पीने का खर्चा आपका 3K से लेकर के 4K जाएगा। बुक्स वुक्स बाइंग करिए, अल्टीमेट कम्प्लीटली अगर आप 16K से 20K पर मंथ अगर आप एक्सपेंस करना चाहते हो तो आपके लिए दिल्ली है। लेकिन अभी कोरोना के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने साबित कर दिया कि मैं कोचिंग वगैरह कहीं से नहीं ली ऑफलाइन, मैं घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ी और मैं सेलेक्ट हो गया, ओके। तो व्हाई नॉट यू विल बी सेलेक्टेड, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस सेशन इज टोटली डेडिकेटेड टू जलेबी स्कूल के बच्चे राइट। ये फ्री है, क्लास कोर्स भी ये सभी के लिए फ्री है, राइट। नमस्ते 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 अंजलि वर्मा, सुनित्रा, वेरी गुड, सजाउद्दीन, विष्णु गुप्ता, शीतल चौधरी, आशीष, प्रिया जंगीत। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ तो, सभी लोग को बताओ तो आपका मीडियम क्या है, व्हाट इज योर मीडियम, राइट। ध्यान रखना, मैं आप सभी फ्यूचर आईएएस ऑफिसर से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, जो आपको देखना चाहिए, राइट, है ना, जो आपको समझना चाहिए और आपको करना चाहिए, ओके, राइट, आज के इस सेशन में। चलिए ठीक है, ओके। बहुत सारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, सी सैट बाई संजय कुमार शाह, राइट, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी, यू कैन सी हेयर अबाउट मी, ओके, दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी, राइट। माय नेम इज संजय कुमार शाह, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हू कॉल मी SSM सर, आई एम पास आउट फ्रॉम IIT दिल्ली एंड आई हैव 9 years ऑफ द टीचिंग एक्स फैकल्टी। लगभग दिल्ली की कोचिंग सेंटर, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा चुका हूँ। राइट नाउ आई एम द वर्किंग विद द अन अकेडमी एज ए टॉप एंड वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी, अभी से नहीं बहुत टाइम से, राइट, एंड सीनियर एजुकेटर ऑन अन अकेडमी, राइट। ये चलिए ठीक है, शुरुआत करूँ। और रे मेरे बच्चे, इसमें कुछ चीज़ें जो थी ना, जो मैंने आपको बताया था, ओके, कल वाले क्लास का पीडीएफ आपको मिला कि नहीं, एक बार मुझे वो बताओ तो। एक बात आप सभी लोग मुझे वो बताओ तो, नहीं मिला ना तो शायद मुझे लगता है कि आज वाली क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला, ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद आपको कल वाले क्लास की पीडीएफ मिली। अरे ये ऐसे कैसे आ गया, ये तो कुछ आया ही नहीं इसमें।
ब्लैंक कैसे हो गया? सिस्टम टाइप तो लिया नहीं है, जबकि मैंने तो पीडीएफ बनाया था। कल ही तो मैंने आपको पढ़ाया था। एक सेकंड थोड़ा सा प्लीज, कैसे हो गया ऐसे? ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, फिर ऐसे कैसे हो गया? चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, एक सेकंड। सभी लोग आ चुके हैं क्लास में? सभी लोग रेडी हो चुके हैं? हाँ, सभी लोग रेडी हो चुके हैं, कोई बात नहीं। पता नहीं, मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया था बट वो आपको नहीं मिल पाया, राइट? कोई बात नहीं, चलिए, टाइम कम है, इस टाइम में थोड़ा सा हम लोग करते हैं, राइट? है ना सर जी, आप सिलेबस का पीडीएफ, अभी तक सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा, है ना? आज रात को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। देखो, कल मैंने ये पढ़ाया था, है ना, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाना है मुझे, ठीक है? इसी को आगे, ये वाली चीज़ें मैंने आपको बताया था कि मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? सारा चीज़ें हमारी क्लासेस चल रही है, अभी हम लोग डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम पे चल रहे हैं, राइट? है ना, फिर मैंने कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, जो आपके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें था, जिसको हम सभी लोगों ने अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था, ये सारा का सारा चीज़ें था, राइट? है ना, ये बताया था ना, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, ना ये कल वाली क्लास सबको क्लियर है? कल वाली क्लास सबको क्लियर है तो कमेंट सेक्शन एक बार वन टाइप कर, राइट? अगर कल वाली क्लास सबको क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में वन टाइप कर, राइट? अगर आपको कल वाली क्लास सबको क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार वन वन टाइप कीजिए, राइट? अगर आपको कल वाली क्लास सबको क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार वन वन टाइप कीजिए, सभी लोग वन वन टाइप कीजिए कल वाली क्लास के लिए। वेरी गुड, 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, यस 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 यस, वेरी गुड, वेरी गुड, जियो मेरे से, जियो मेरे से, जियो मेरे से, जियो जियो जियो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, जैसे कि इसी में जैसे कि मान लो कि एक मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, एक आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था, एक यहाँ पर एक आपका मिक्स फ्रैक्शन भी होता है, ठीक है? एक आप यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन भी, जैसे मिक्स फ्रैक्शन टू सही थ्री बाई फोर होता है, इसको फोर टू जा एट, एट थ्री जा फोर, टू जा एट प्लस थ्री इलेवन बाई फोर, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट? है ना, आज मैं आपको इसी में थोड़ा सा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना चाह रहा हूँ, राइट? एक्स्ट्रा डालना चाह रहा हूँ, राइट? इसी में आज मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा डालना चाह रहा हूँ, जो आप सभी बच्चों के लिए जानकारी चाहिए, आप सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर विच दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ओके? देखो, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा, थोड़ा सा देखना, राइट? ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखिए, राइट? ओके, राइट, देखिए, देखो, कोई भी आपका जो नंबर सिस्टम, राइट? कोई भी जो आपका नंबर सिस्टम है, ध्यान से समझना, नंबर सिस्टम है, राइट? इस नंबर सिस्टम को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो होता है आपका रियल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या भी कहते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से, राइट? रियल नंबर, राइट? एक होता है आपका रियल नंबर के बाद एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर का मतलब काल्पनिक संख्या, राइट? काल्पनिक संख्या, राइट? एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग जटिल संख्या भी कहते हैं, राइट? जटिल संख्या। मेरे प्यारे बच्चे, आराम से समझना, सभी लोग सेशंस को लाइक करना और शेयर करना, मैं जितना बताना चाह रहा हूँ उतना आप अपने दिमाग के पैटर्न को फिक्स कीजिए, राइट? यस, ये दिमाग के पैटर्न को फिक्स कीजिए मेरे बच्चे। जो रियल नंबर
ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको आप रियल लाइन पर शो करते हैं, जिसको आप रियल लाइन पर क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। यू कैन शो ऑन रियल लाइन, राइट, यू कैन शो ऑन रियल लाइन। इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो अंडर रूट, मैंने यहाँ पर 36 लिखा, राइट। अंडर रूट 36 का मतलब क्या है, रूट 36 का मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करें, सेशंस को सभी लोग लाइक करेंगे, राइट। क्लास की टाइमिंग 10 PM से, क्लास को लाइव ही देखना, रिकॉर्ड नहीं देखना, लाइव देखोगे तो समझ लो जो UPSC की जो पैटर्न है, जो आपके थॉट प्रोसेस को जो चेंज करना चाहती है वही चीज़ है। 36 का मतलब क्या होगा, 6 होगा। तो भाई अब ये 6 इमेजिनरी नंबर तो है ही नहीं, 6 तो आपका सीधा एक रियल नंबर है जिसको आप रियल लाइन पर शो कर सकते हो, जिसको आप रियल लाइन पर क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। बेसिकली रियल लाइन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, मैंने कल ही आपको बताया था 0, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब -1, -2, -3, मेरी बात समझ में आ रही है। और ये 36 मतलब 6, ये क्या है, ये आपका रियल नंबर है, राइट, ये आपका रियल नंबर है। लेकिन अंडर रूट में माइनस का 36 है, अंडर रूट में माइनस का 36 का मतलब आपको नहीं पता चलेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट में -1, अंडर रूट में 36, माइनस का 1 को हम कहते हैं आयोटा, 36 को कहते हैं 6, इसका मतलब 6 आयोटा, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर को हम कहते हैं आयोटा, आयोटा का मतलब अंडर रूट माइनस 1 होता है, इसको आयोटा कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, IOTA, आयोटा, ध्यान से समझना भाई। UPSC ने अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन जो UPSC के जो रवैये को मैं देख रहा हूँ, जो UPSC की जो अंदर की जो एक कहते नहीं है क्वेश्चंस पूछने की जो लॉजिक्स को, जो तरीके को जो मैं देख रहा हूँ, जबकि अगर UPSC परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में अगर क्वेश्चन 11th-12th स्टैंडर्ड से पूछ सकती है, तो 11th-12th स्टैंडर्ड में से इमेजिनरी नंबर को भी पूछ सकती है फॉर योर नंबर सिस्टम, राइट, इन योर नंबर सिस्टम टाइप ऑफ नंबर सिस्टम क्वेश्चन, राइट। तो आयोटा अंडर रूट माइनस 1, आयोटा स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर करोगे -1, आयोटा के स्क्वायर की पावर स्क्वायर 4 करोगे तो ये 1, इसको आप ध्यान रखिएगा, राइट। आयोटा 4 की पावर 1, आयोटा स्क्वायर यानी -1, आयोटा यानी अंडर रूट माइनस 1, राइट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट, है ना। ये इस पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके, सभी लोग सेशंस को लाइक करिए, सब कम बच्चे लाइक किया, राइट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कहते हैं ऐसा नंबर दैट कैन बी, ये ऐसा नंबर होता है जो मिक्स्ड ऑफ, राइट, इट इज मिक्स्ड ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी, रियल नंबर, जैसे कि मान लो रियल नंबर, मान लो आपका 6 है, तो मान लो 6 प्लस 6 आयोटा, 6 माइनस 6 आयोटा, ए प्लस माइनस बी आयोटा, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एक लाइन में समझो, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें रियल नंबर भी हो, जिसमें इमेजिनरी नंबर भी हो, राइट, यानी दोनों के इंक्लूडिंग नंबर हो, राइट, दोनों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, वो हमारा, मेरे प्यारे बच्चे, क्लास को डिविजिबल रूल क्या है भाई, क्लास में डिविजिबल रूल कराऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम कराऊंगा, यूनिट प्लेस पढ़ाऊंगा, A to Z चीज़ कराऊंगा, थोड़ा पेशेंस तो रखो, जो चीज़ मैं करा रहा हूँ उधर ध्यान दो, राइट, अगर एक्स्ट्रा चीज़ इधर उधर ध्यान दोगे मेरे बच्चे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, राइट, इसलिए जितना करा रहा हूँ उतना कराओ। देखो अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि भाई रियल लाइन मान के चलो ये है, तो दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, देखो हवा नहीं ठंडा था, चलो राइट, ओके, अब देखो ध्यान से भाई, मान लो कि इन दोनों नंबर के, जैसे मान लो कि इन दोनों नंबर के बीच में जिसमें कैसे होगा, देखो एक लाइन लिखोगे, दो यहाँ दो है, मान लो यहाँ तीन है, यहाँ पर क्या आएगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ऐसे 2.9 होगा, यानी दो नंबर के बीच में कितने इंटीजर्स हो सकते हैं, बहुत सारे इंटीजर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, और इनके बीच में बहुत सारे हो सकते हैं, इनके बीच में, जैसे 2.1, 2.12, 2.113, इस तरीके से बहुत सारे, यानी कि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स,
दो इंडिया में बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं, इस पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा एंड कभी भी पूछा जाएगा कि भाई दो नंबर के बीच में, दो रियल नंबर के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं या कितने नंबर्स होते हैं, तो आप इसको बहुत ही ईजिली तरीके से बता सकते हो कि अच्छे तरीके से कि हम इसको इतने नंबर्स हम बता सकते हैं आंसर, ये हमारा इतना इंटीजर्स या हमारा इतना नंबर्स हो सकता है, हमारा इतना इंटीजर्स या हमारा इतना नंबर हो सकता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ रही। अब देखो, अब देखो, अब आपका इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट राइट, बिल्कुल, अब आपका थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोलने, ओपन होने टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा। देखो, इमेजिनरी नंबर को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें नहीं पढ़ना है, यूपीएससी आपका बार बार इसी से पूछ रही है, कल मैंने आपको कराया, आज देखो मैं आपको करा रहा हूँ राइट, एक्स्ट्रा इसमें करा रहा हूँ राइट, एक्स्ट्रा। देखो, कल मैंने आपको रियल नंबर को, रियल नंबर को मैंने कल आपको कितने पार्ट्स में बांटा था, मैंने आपको कल रियल नंबर्स को कितने पार्ट्स में बांटना था राइट, रियल नंबर्स को कल मैंने आपको रेशनल और इरेशनल दो पार्ट में बांटा था, बांटा था ना, रेशनल और इरेशनल दो पार्ट में बांटा था, बोलो हाँ या ना, रेशनल और इरेशनल दो पार्ट में बांटा था कि नहीं बांटा था राइट। आज मैं सेम कंडीशंस को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, तो थोड़ा सा रियल नंबर में जो आपका रेशनल नंबर है राइट, रेशनल नंबर है, और जो आपका इरेशनल नंबर है, ध्यान से देखना, रेशनल का मतलब होता है आपका परिमेय संख्या, इरेशनल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे अपरिमेय संख्या राइट। यूपीएससी आपको यहीं से कंफ्यूज कर सकती है, यूपीएससी आपको यहीं से, मैं इसी चीज़ों को डिटेल में समझाने के लिए इतना सिस्टमैटिक तरीके से आपके बुक में कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी तरीके से आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा राइट, किसी भी बुक में किसी भी तरीके किसी भी वक्त आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा राइट। एक बार मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे सेशंस को लाइक और शेयर करो, रुको रुको, इतने कम बच्चे हैं कैसे काम चलेगा राइट, क्लास में 500-600 बच्चे आने वाले, ओनली 300-350 पे कैसे सिमट जाएंगे, नहीं तब मज़ा नहीं आएगा राइट, तब क्लास का मज़ा नहीं आएगा राइट, एनर्जी कैसे डाउन हो रही है, क्लास को छोड़ दे क्या, क्लास को छोड़ दे क्या, क्या हम क्लास को छोड़ दे सर राइट राइट, क्लास को छोड़ दे क्या। देखो, ये जो आपका रियल नंबर है राइट, है ना, एक रियल नंबर होता है आपका डेसिमल, सॉरी एक रियल नंबर होता है आपका, मैं आपका हमेशा चीज़ों को अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ लेकिन बच्चा सीरियस नहीं है, इसको इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल, डेसिमल नंबर राइट राइट, दशमलव संख्या राइट, दशमलव संख्या राइट, इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर सबको पता है, रियल नंबर के बीच में डेसिमल नंबर और एक इंटीजर, इंटीजर आप सभी को मैंने बताया था कि इंटीजर क्या है राइट, इंटीजर सबको पता है, इंटीजर का मतलब कल बताया था ना, पूर्णांक राइट, इंटीजर किसको कहते हैं पता है ना सबको राइट, इंटीजर, इंटीजर मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इधर इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। अब देखो, डेसिमल को तीन पार्ट्स में बांटा जाता है राइट, है ना, देखो भाई, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर राइट, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर राइट, नॉन टर्मिनेटिंग राइट, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर या वह टर्मिनेटिंग नंबर राइट, एक होता है आपका इसी में, इसी में आप होता है, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर राइट, हिंदी में बोल रहा हूँ राइट, हिंदी में मुझे पता नहीं आता राइट, है ना, हिंदी में इसको बोलिए, आप लिखिए जैसे कि शांत दशमलव राइट, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत
दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव, अशांत अशांत इसको रखने को बोलते हैं आवृत्ति, अशांत आवृत्ति संख्या, राइट, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति संख्या, इसको पहले आप नोट डाउन करो। देखो इसको आप लोगों ने नोट डाउन किया, इसको आप लोगों ने नोट डाउन किया, ये क्या चीज़ है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहीं से आपको रेशनल और इरेशनल आपको समझ में आएगा, वरना ये इरेशनल इरेशनल आपको समझ में नहीं आएगा। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब, देखो डेसिमल का नंबर का मतलब तो पता चल गया सबको, जैसे कि 0.12 0.1234 राइट, 0.56349 राइट, 0.3333 राइट, ये है आपका डेसिमल नंबर, राइट, ये है आपका डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनेट कर जाए, जो टर्मिनेट कर जाए, टर्मिनेट मतलब कि स्टॉप हो जाए, कहता नहीं है तुम हो, तुम्हें कहाँ, तुम्हें मैं टर्मिनेट कर दूंगा, समझ में आ रहा है, क्लास में चुपचाप ध्यान से पढ़ो इधर, वरना मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा, इसका मतलब तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा, रोक दूंगा, बंद कर दूंगा, या ऐसा कहते हैं आपको किस टर्मिनल पे रुकना है, सर 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 मैं अभी करोल बाग में बैठा हूँ, मुझे मुखर्जी नगर टर्मिनल पे उतरना है, राइट, या करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे बैठा हूँ, जीटीवी नगर मेट्रो स्टेशन पे मुझे टर्मिनल पे रुकना है, यस या नो, तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो टर्मिनल, तो टर्मिनल का मतलब स्टॉप करना है, जैसे जैसे देखो आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आराम से देखना सभी लोग ध्यान से देखना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो 0.25, तो यहाँ पर 25 स्टॉप हो गया, 0.123 स्टॉप हो गया, 0.3456 स्टॉप हो गया, 3.167 स्टॉप हो गया, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, स्टॉप हो, देखो देखो 5 पे स्टॉप हो गया, 1, 2, 3 पे स्टॉप हो गया, 3, 4, 5, 6 पे स्टॉप हो गया, 1, 6, 7 पे स्टॉप हो गया, लेकिन इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, ध्यान से नोट डाउन मत करो, नोट डाउन मत करो, नोट डाउन मत करो, मैं फिर भी से कह रहा हूँ, वर्ड पे ध्यान दो, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग रेकरिंग मतलब बार 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 बार, रेकरिंग 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 रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रेकरिंग जाएगा, जैसे 0.333333333 पता ही नहीं चलेगा कहाँ खत्म होगा, रहे 0.16666666666 0.23 23 23 0.672 672 672 672 रेकरिंग रेकरिंग रेट 0.451 451 451 3.666666666666 मेरी बात सबको समझ में आ रही है। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज़ मेरे प्यारे, आपको इस दोनों में डिफरेंस समझ में आया तो प्लीज़ SKS10 कोड को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ SP शाह कोड को रिप्लाई करिए, SP शाह कोड को मेरे प्यारे बच्चे, यस 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 यस, प्रीतम मिश्रा, सलमान खान, सुभाषरी पांडे, राइट सर, टर्मिनेटिंग नंबर अल्सो नो, मेरे प्यारे बच्चे मैं वही चीज़ तो आपको पढ़ाऊंगा, शांत दशमलव, जहां दशमलव के बाद, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मेरे प्यारे बच्चे मैं अभी भी कह रहा हूं, पूरा यूट्यूब पे राइट आप फोकस करके रहिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जो चीज़ अभी आप यहां देख रहे हो इससे भी कई गुना चीज़ आपको और क्लासेस में आपको दिखेगा। ओके बोलो टर्मिनेटिंग नंबर, बोलो टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अब इधर देखो इसको ऐसे, अब इधर देखो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा, यानी सेम ऐसे होगा, नॉन रेकरिंग डेसिमल यानी कि रेकरिंग भी नहीं होगा, हर बार नया नंबर, हर बार नया नंबर, हर बार नया नंबर, हर बार नया नंबर, हर बार क्या गिरा, क्या चोट लग गया, हर बार नया नंबर, हर बार नया नंबर, जैसे देखो कैसे, जैसे इधर देखो, जैसे इसमें ऐसा होगा, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट भी नहीं होगा, चलता ही रहेगा लेकिन रेकरिंग, रेकरिंग नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे रेकरिंग कर रहा है ना, रिपीटेशन, रेकरिंग का मतलब बेसिकली, रेकरिंग का मतलब होता है, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेशन, क्या होता है आपका,
रिपीटेशन, रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है आपका? रिपीटेशन। रेकरिंग का मतलब क्या होता है लिखो कमेंट सेक्शन में, रिपीटेशन लिखो, रिपीटेशन रजिस्टर, रिपीटेशन रिपीटेशन। बट यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, जैसे देखो कैसे, जैसे जैसे मान लो 0 1 2 3 4 5 6 2 8 7 9 8 2 5 3 ऐसे ऐसे जाएगा। देखो देखो ऐसे हर हर एक बार नया नंबर, राइट। जैसे देखो 0 3 1 4 2 8 5 6 4 2 9 8, देखो ऐसे हर बार नया नंबर आ रहा है, हर बार नया नंबर, यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, चलता रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। ऐसे में जैसे पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है? 0.314, राइट। ई की वैल्यू, ई की वैल्यू, ये सब क्या है? ये सब, ये बात समझ में आ रही? अगर जिसको ये बात समझ में आ रही, केवल ये वाली बात समझ में आ रही है, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल समझ में आ रहा है, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ए टाइप करके बताएं। मुझे कमेंट सेक्शन में केवल वो ए टाइप करके बताएं, जिसको नहीं आ रहा है वो बी टाइप करें। यहीं पे आपका रेशनल और इरेशनल छुपा है। सभी लोग सेशंस को लाइक करें, सर शेयर करें। बेस्ट एग्जांपल इज द वैल्यू ऑफ पाई, बिल्कुल। तभी मैंने एग्जांपल ये लिख दिया है, पाई लिख दिया है आपको, ई, राइट। आप फरफराओ नहीं मेरे बच्चे, मैं आपको बार बार अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, आपको यूट्यूब, आपको पूरा यूट्यूब, पूरी बुक, किसी भी बुक को देख लो। मैं तो आपको अपनी बात तो नहीं बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं, राइट, जो हमारी क्लास को देख के, पढ़ के वहाँ से पढ़ाते हैं। अब मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे टीचर और फैकल्टी हैं जो क्लास को देख के पढ़ाते हैं, राइट। मैं आपको पढ़ाने के लिए ये मत सोचना कि बस, मैं कई सारे मटेरियल्स को, कई सारे बुक्स को, मैंने कल ही बताया आपको भाई, SSC बैंकिंग रेलवे CDS, राइट, CAPF, राइट, है ना, CAT, IIT JEE, जो भी है, राइट, सभी को कंसोलिडेट करके मैं आपको पढ़ाने आता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम से अब आपके साथ धोखा हो। बस आप लाइव देखो, आज बहुत कम बच्चे हैं क्लास में लाइव, राइट, है ना, इतने कम बच्चे लाइव होने से फिर कैसे क्लास चलेगी, राइट। इसका मतलब है कि आई थिंक आप सीरियस, मैं हमेशा कह रहा हूँ, जो मेरे लाइव सेशन में खो गया, समझो वो CSAT में क्वालिफाई हो गया। जैसे √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √4 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √6 की वैल्यू, √7 की वैल्यू, राइट, √8 की वैल्यू, √11 की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू को चेक करोगे ना तो ये सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल होगा, राइट। व्हाट इज, अभी बता रहा हूँ एस्पायरेंट्स, मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। अब बता रहा हूँ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है। देखो, अब देखो, इतनी बात सबको क्लियर आया, इतनी बात सबको समझ में आया। देखो, बेसिकली रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दस जिसको आप बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे Q की वैल्यू जीरो नहीं हो, जो डेनोमिनेटर होता है वो आप, जिसको आप बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हो रेशनल नंबर, दैट्स इज द सिंपल पॉइंट। जिसको आप पी, सर √4 नहीं होगा, √4 नहीं होगा, √4 की वैल्यू दो होता है, सॉरी √4 नहीं होगा, माफ़ करना, हाँ √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 हो जाती है, 2 हो गया तो 2 का मतलब रेशनल नंबर हो गया। एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इधर देखो, रेशनल नंबर, इधर लिखो आप इरेशनल नंबर, और परिमेय, और इधर लिखिए आप परिमेय। देखिए, पहली चीज, सबसे पहली चीज, जिसको आप पी बाई क्यू, यानी कि क्यू की वैल्यू डज नॉट, क्यू बस जीरो नहीं होना चाहिए, राइट, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर फॉर्म लिख सकते हो, डेनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, 7/11 हो गया, 181/190 हो गया, ऐसे इरेशनल नंबर में जिसको आप पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट, यू कांट राइट, उसको, जैसे कि मान लो ये आप समझना, राइट, ये आपका इरेशनल नंबर है, राइट, ये आपका इरेशनल नंबर। टेलीग्राम पे देखो, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो ना सभी लोग, राइट, CSAT बाई संजय
Kumar Shah, right? CSAT by Sanjay Kumar Shah. टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, CSAT by संजय कुमार शाह. सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, ओके? CSAT by संजय कुमार शाह. सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, CSAT by संजय कुमार शाह, ओके? सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल प्लीज़ दोबारा बता दीजिए. अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो. सभी लोग सेशंस को लाइक एक बार कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, राइट, सेशन को, ठीक है? अब देखो, अब आप सभी लोग ध्यान से देखो. देखो 0.25 है तो क्या आप इसको 25/100 लिख सकते हो? यस या नो? इसका मतलब इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो पी बाई क्यू के फॉर्म में? यस या नो, ओनली कमेंट सेक्शन में बताओ, यस या नो, राइट? इसको आप लिख सकते हो 1, 2, 3 by 1000. इसको आप लिख सकते हो 3, 4, 5, 6 by 12. इसको आप लिख सकते हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, यस? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब रेशनल नंबर क्या होगा आपका? टर्मिनेटिंग मतलब यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव. ध्यान से समझो, सभी लोग ध्यान से, राइट? सर, √2/5 इज एन इरेशनल, ठीक है? अभी टेंशन मत क्यों ले रहे हो यार, अभी मैं आपको रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल डिवाइड इरेशनल, ये सब भी पढ़ाऊंगा यार, जो UPSC चाह रही है. इतना जल्दी कर, आज के टेलीग्राम के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किया सर, बिकॉज समझ नहीं आया. कोई बात नहीं, ठीक है? अब देखो ध्यान से, राइट? जैसे 0.333 बार है, राइट? इसका मतलब होता है 3/9, इसका मतलब 1/3. जब 1/3 को क्या आपने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, यस? इसको भी करोगे आप तो यही होगा आपका, राइट? 2/3 भी करोगे तो यही होगा, राइट? 6/7 भी करोगे तो आपका यही होगा, राइट? यही करोगे, इसको लिखोगे तो आप बटे के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि इस पर भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, ये मैं आपको पढ़ाऊँ. इसको भी यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल भी है, राइट? इसका मतलब रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल भी है, रॉन्ग टर्मिनेट रेकरिंग डेसिमल भी है, ठीक है? मेरी बात सर आराम से समझो सर, डेसिमल नंबर आर कम अंडर द इरेशनल और नॉन इरेशनल. अभी एडवांस क्लासेस बाय MK सर, अभी टेंशन नहीं लो, अभी सब कंप्लीट कर दूंगा, राइट? आराम से समझिए, आराम से. ये बात समझ में आ रही है सबको? देखो ये बात समझ आ रही है, क्योंकि देखो 0.16 मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 0.16 के ऊपर बार है, 0.6 के ऊपर बार है, तो मैंने 16 माइनस का 1 अपॉन में क्या होगा 10, ये क्या ना, ये एक बार है 9, 9, 0, राइट? ये आपका 15/90 यानी 1/6 आया. डिवाइड करोगे तो ये आपका यही आएगा, डिवाइड करोगे 1/6 आया, 6 से जब आप 1 में डिवाइड करोगे तो देखो 0.0616 4 0 6 4 36 4 6 1/6, इसका मतलब 1/6 की वैल्यू ये है, राइट? तो 1/6 का मतलब क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा कि नहीं लिखा? अभी रेकरिंग डेसिमल आपको पढ़ा दूंगा, अभी रेकरिंग डेसिमल टाइम मिलेगा तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो ये आप अपने सिलेबस में इसमें लिख लो, राइट? इसमें आप लोग लिख लो, इसमें नहीं लिखा ना, नंबर ऑफ जीरो यूनिट प्लस डिजिट टाइम, इसमें लिख लीजिए रेकरिंग नंबर, राइट? है ना, रेकरिंग नंबर. इससे भी UPSC क्वेश्चन पूछा, राइट? 2020 में पूछी है क्वेश्चन, 2000 पता है ना आपको, जिसका आंसर ऐसा था, मतलब कि आई थिंक पता नहीं, मतलब कि 0.27 था सर आंसर, राइट? 0.27 ऐसा कुछ बार का आंसर था, राइट? ये भी आप सिलेबस में नोट डाउन कर लो, ये भी पढ़ाऊंगा आपको, राइट? ये भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये वाली बात सबको समझ में आ रही है, राइट? ओके, देखो. अच्छा एक बात बताओ, -3, -2, -1, 0, 1, इसको भी आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो भाई. अगर टू लिखा है, टू के नीचे नहीं कुछ, इसका मतलब क्या है, वन है, नहीं है कुछ, इसका मतलब क्या है, वन है, इसका मतलब ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म, जीरो के नीचे नहीं कुछ, इसका मतलब क्या है, वन है, इसका मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो. इसका मतलब क्या है, आपका इंटीजर भी है, आपका क्या है, आपका इंटीजर भी है आपका रेशनल नंबर, राइट? आपका इंटीजर भी है रेशनल नंबर, इंटीजर भी है आपका क्या है, आपका रेशनल नंबर, राइट? अगर इंटीजर रेशनल नंबर है, अब बताओ, कल मैंने आपको बताया था
कल मैंने आपको बताया था इंटीजर, कल मैंने आपको बताया था इंटीजर के अंदर क्या क्या आता है मुझे बताओ। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना इंटीजर, राइट। इंटीजर के अंदर कल मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था बताओ मेरे ढोको लोलो, आप कहाँ ध्यान है। कल मैंने आपको इंटीजर के अंदर क्या क्या पढ़ाया था बताओ। कल मैंने आपको इंटीजर के अंदर क्या क्या बताया था, कल मैंने इंटीजर के अंदर क्या क्या बताया था। कल मैं अगर इंटीजर रेशनल नंबर है तो ये ध्यान रखिएगा, इंटीजर के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, राइट, फिर ये आपका जीरो इंटीजर, पॉइंट इंटीजर बताया था ना आपका, इसमें जैसे इवन बताया था, फिर मैं आपको इसमें ऑड बताया था, फिर ये प्राइम, ये अगर ये रेशनल नंबर है, ये हो गया बात, राइट। इसका मतलब देखो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, राइट, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये भी आपका रेशनल नंबर है, राइट। फिर आपका नेचुरल नंबर भी आपका रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, फिर आपका होल नंबर भी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, फिर आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी रेशनल नंबर है, फिर आपका कंपोजिट नंबर भी रेशनल नंबर है, कंपोजिट नंबर भी रेशनल नंबर है, फिर आपका को प्राइम नंबर भी रेशनल नंबर है। बोलो हाँ या ना, क्या इतने सिस्टम्स तरीके से आपको यूट्यूब पे लिखा हुआ दिखेगा, सॉरी आपको किसी बुक में दिखेगा गौसिया फारूक की, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इवन ऑड, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव इवन ऑड प्राइम होल नेचुरल प्राकृत संयुक्त, यस या नो, यस या नो। इतने सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरा का पूरा आपका रेशनल नंबर है, राइट, पूरा का पूरा रेशनल नंबर है, पूरा का पूरा रेशनल नंबर है, राइट, पूरा रेशनल नंबर, राइट। अब देखो इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर केवल और केवल ये है जिसको आप पी वाई, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा इसको कब सॉल्व करोगे, पता ही नहीं चलेगा कि आप इसको कब सॉल्व करोगे, राइट, पका ही नहीं चल रहा इसको आपका ऐसे, पता ही नहीं चल रहा इसको क्या सॉल्व करो, राइट। रूट टू की वैल्यू निकालो ना कंप्यूटर में, आपका कंप्यूटर फेल हो जाएगा, निकालो, आपकी वैल्यू ही अनलिमिटेड आएगा, राइट। एक तो भाई कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, देखो इसमें जो है ना आपका पैटर्न बन रहा है, राइट, इसमें आपका पैटर्न बन रहा है, 1333 पैटर्न, 6666 पैटर्न, 2323 पैटर्न, 672672 पैटर्न, 451451 पैटर्न, 666 पैटर्न, बट यहाँ पे पैटर्न ही नहीं बन रहा है। देखो तो किसी को कोई पैटर्न मिल रहा है नहीं ना, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल इज अ इरेशनल नंबर, राइट, इसलिए इसमें आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, राइट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट सेवन, ई की वैल्यू, पाई की वैल्यू, राइट, है ना, आया इस तरीके से वैल्यू, राइट। ई इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, राइट, पाई इरेशनल नंबर है, अच्छा बात समझ में आ रही, पाई क्या इरेशनल, इतनी बात सर, अगर इतनी इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या, नॉन अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, ओके। अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है, सभी लोग सेशंस को लाइक करिए और शेयर करिए, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SK10। अगर नहीं समझ में आ रही है तो मुझे SP शाह कोर्ट का रिप्लाई करें, तो मुझे SP शाह कोर्ट का रिप्लाई करें, तो मुझे SP शाह कोर्ट का रिप्लाई करें। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तो कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, टाइट है ना, क्वेश्चंस की भरमार होगी, राइट। UPSC की इतनी औकात नहीं है कि आपको हिला दे, UPSC की इतनी औकात नहीं है कि आपको हिला दे, राइट, UPSC को इतनी औकात नहीं है कि आपको हिला दे, लेकिन बस आपको इतनी औकात है कि आप हिला दोगे, आपको इतनी औकात है कि आप हिला दोगे, राइट, है ना, आप हिला दोगे, ठीक है, राइट, ई, राइट। फिर आपका इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट भी आपका इरेशनल नंबर है, राइट। अब देखो एक बात, आपको जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार दो बार तीन बार आप जरूर देखिएगा, राइट, एक बार दो बार तीन बार आप और समझिए। एक चीज़ मुझे और इसमें बताना था यार, रुको रुको, एक चीज़ मुझे इसमें और बताना था, जो उससे UPSC आपसे कन्फ्यूज कर सकती है। हाँ देखो, देखो जैसे कि मान लो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, राइट, बताओ पाई की वैल्यू क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है पाई की वैल्यू क्या है? सर इस बार माउंटेन बनकर जाना, राइट, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू आपका 22/7 भी होती है, और कहीं कहीं पाई की वैल्यू 0.3.14285 समथिंग समथिंग जाएगा,
राइट होता है कि नहीं होता है, राइट राइट 6 1 2 3 राइट इस तरीके से होता है। अब देखो भाई सुनो, पाई अपने आप में, पाई जो है ना, पाई जो है ये एक इरेशनल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा, पाई इरेशनल नंबर है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन 22/7 जो है ये आपका रेशनल नंबर है, ये क्या है आपका रेशनल नंबर है, क्यों, वाई कोई बता पाएगा, वाई बता पाएगा, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि इसको अप्रॉक्सीमेशन में हम 22/7 लिखते हैं शॉर्ट तरीके से, इसलिए 22/7 एक फिक्स पैटर्न है पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसलिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में फिक्स पैटर्न नहीं है, ना ये पी बाई क्यू के फिक्स पैटर्न है, इसलिए इसको नोट डाउन करो, राइट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स, 3.414 आगे चलता रहता है, फिर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, राइट कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ठीक है, इस बात को आप समझिए अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, और आपको बेहतर तरीके से आपको समझना है, आपको फोकस करना है, आपको समझना है, ओके ओके, देखो अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो UPSC के लेटेस्ट पैटर्न पर है, लेटेस्ट पैटर्न पर है, जो UPSC का लेटेस्ट पैटर्न पर है, जैसे देखिए रेशनल, देखो R का मतलब होगा यहाँ पे रेशनल नंबर, I का मतलब होगा यहाँ पे इरेशनल नंबर, देखो भाई जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए पेड कोर्स है, जिसको ज़्यादा डर लग रहा है वो अपना पेड कोर्स ले लें CSAT का, राइट, जिसको नहीं डर लग रहा है समझ में आ रहा है वो फ्री में देखे, राइट ओके, समझ में आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को फोकस करो, सेशंस कभी भी डिलीट हो सकता है, ऐसे ऐसे चीज़ें पढ़ाऊँगा तो मुझे सेशन पक्का डिलीट करना ही पड़ेगा, ठीक है, डिलीट करना ही पड़ेगा, राइट, देखो रेशनल प्लस रेशनल करोगे रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल करोगे रेशनल, रेशनल डिवाइड रेशनल करोगे रेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल करोगे रेशनल, राइट, ये ध्यान रखिएगा, इरेशनल प्लस इरेशनल करोगे रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, इरेशनल माइनस इरेशनल करोगे रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल करोगे रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, इरेशनल डिवाइड इरेशनल करोगे इरेशनल भी आएगा, इरेशनल भी, रटना नहीं है इसको, एक एक करके वेरीफाई करके भी कर सकते हो, और तो भी आपको पता चल जाएगा, राइट, तो भी आपको पता चल जाएगा, आपको कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक रेशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है तो आपका इरेशनल आएगा, एक रेशनल है एक इरेशनल है तो आपका इरेशनल आएगा, राइट राइट ओके, एक रेशनल इंटू इरेशनल आप करोगे तो इरेशनल आएगा, रेशनल डिवाइड इरेशनल करोगे तो आपका इरेशनल आएगा, राइट, या तो इरेशनल प्लस रेशनल करोगे तो इरेशनल आएगा, इरेशनल माइनस रेशनल करोगे तो इरेशनल आएगा, इरेशनल इंटू रेशनल करोगे तो इरेशनल आएगा, इरेशनल डिवाइड इरेशनल करोगे तो इरेशनल आएगा, ये बात समझ लो, इसमें किसी को कोई प्रूफ चाहिए, इसमें से किसी को कोई प्रूफ चाहिए तो मुझसे पूछे, राइट राइट ओके, सभी लोग सेशंस को लाइक करें शेयर करें, राइट, एनर्जी क्यों डाउन हो रही है, क्या क्लास को ऑफ कर दूं क्या, व्हाई योर एनर्जी इज डाउन, इफ यू, अगर आप कहोगे तो मैं फिर ऑफ कर दूंगा, राइट, अगर आपकी एनर्जी डाउन हो रही है तो ओके, अगर आपकी एनर्जी डाउन हो रही है तो मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा, ओके, अगर आपकी एनर्जी डाउन हो रही है तो आप बताओ, मैं क्लास को फिर मैं ऑफ कर दूंगा, अगर आप कहोगे तो मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा, राइट ओके, अगर आप कहोगे तो एनर्जी मैं डाउन कर दूंगा, राइट राइट, कौन सा इक्वेशन प्रूफ करो ये मुझे बताइए, राइट, अभी तो आपको कुछ नहीं हुआ, इस बार UPSC क्वेश्चन पूछा था ना,
अभी तो मैं आपको ऑड प्लस ऑड भी कराऊंगा, ऑड प्लस इवन भी कराऊंगा, इवन प्लस ऑड भी कराऊंगा, ये सब भी कराना है यार। लेकिन आप इतना जल्दी क्यों डर रहे हो, राइट है ना यार भाई? इतना जल्दी आप क्यों डर रहे हैं, इतना जल्दी क्यों फरफरा रहे हैं? आपको फरफराने की तो ज़रूरत ही नहीं है, राइट? आपको फरफराने की तो ज़रूरत ही नहीं है, राइट? अगर आप ऐसे फरफराएंगे तो काम चलेगा। सर अभी तो स्टार्ट्स करें हैं और वीडियोस को डिलीट करने की बात कर रहे हैं, तब हमें क्या भरोसा कि आप पूरा सीजन कवर कराएंगे? आप लाइव देखिए, आप लाइव देखिए ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं, लाइव देखोगे तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा, राइट? आप लाइव देखो ना, आप लाइव देखोगे तो सब कुछ मिलेगा ना मेरे प्यारे बच्चे, राइट? अगर आप लाइव देखोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, अगर आपको नहीं लाइव देखोगे तो सब कुछ नहीं मिलेगा, राइट? अगर आपको नहीं लाइव देखोगे तो सब, यस सर नो, किस के सर क्लास की टाइमिंग कब से? टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, सी सैट बाई संजय कुमार सा, सी सैट बाई संजय कुमार सा। इसमें किसका एग्जांपल दो, किसका किसका? जैसे मान लो कि एक रेशनल प्लस रेशनल दे रहा हूँ, मान लो रेशनल, जैसे मान लो कि 5 प्लस रेशनल नंबर दो ना, कोई सा भी रेशनल, जैसे 5 प्लस 5 करोगे 10, 10 एक रेशनल नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इरेशनल लोगे इरेशनल प्लस इरेशनल तो भी रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक रेशनल लोगे एक इरेशनल लोगे तो आपके इरेशनल के साथ तो इरेशनल ही आएगा, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। आप कुछ भी आप चेक कर सकते हो, राइट? सर अगले प्रीलिम्स का एप्लीकेशन कब से शुरू होगा? शुरू हो गया है, ठीक है, ओके, राइट। अब देखो मैं इसको आगे चलता हूँ, इसको समझ में आ गई, इसको नोट डाउन करो, समझ में आ गई बात तो प्लीज़ राइट इन दखो एस के एस टेन वरना एस पी सा, राइट? एस पी सा। अब इसमें मुझे कल जो है ना, मुझे इस पर क्वेश्चंस कराना है, कल इस पर मुझे क्वेश्चंस कराना है, राइट है ना? देखो अब देखो मुझे एक बात बताओ, इवन देखो ई फोर इवन, इवन संख्या का मतलब 0 2 4 6 8, राइट? ओ फोर ऑड, ऑड का मतलब विषम, 1 3 5 7 9, ठीक है? ये देखो लास्ट डिजिट। अब देखो जैसे इवन प्लस इवन हो तो बताओ क्या आएगा, इवन सॉरी इवन माइनस इवन हो तो बताओ क्या होगा, इवन इंटू इवन है तो क्या होगा, इवन डिवाइड इवन हो तो बताओ क्या होगा, राइट? ऑड प्लस ऑड हो तो बताओ क्या होगा, ऑड माइनस ऑड हो तो बताओ क्या होगा, ऑड इंटू ऑड हो तो क्या होगा, ऑड डिवाइड ऑड हो तो बताओ क्या आएगा, राइट? इवन प्लस ऑड, इवन माइनस ऑड, इवन इंटू ऑड, इवन डिवाइड बाय ऑड, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा? देखो एक एग्जांपल लो, इवन प्लस इवन, जैसे 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 4 प्लस 4 8, तो ये इवन होगा, राइट? जैसे मान लो 8 माइनस 6 क्या 2, इवन, राइट? अब देखो इवन इंटू इवन, 2 2 4, ये भी इवन, इवन डिवाइड इवन, देखो अब देखो इवन डिवाइड इवन, इवन मतलब कि इवन मान लो, एक मान लो इवन 8 हो गया, एक मान लो 4, तो 4 2 गया तो 2 आएगा, तो 2 क्या है आपका इवन, एक मान लो 8 होगा, एक मान लो 8, फिर क्या हो गया ऑड, यानी इवन भी होगा ये ऑड भी होगा, इवन डिवाइड इवन, इवन डिवाइड इवन ऑड आया, राइट? लेकिन इवन इंटू इवन 4 4 16, राइट? 8 8 64, राइट? अब देखो ऑड प्लस ऑड, जैसे 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 3, ये आपका इवन हो गया, ऑड माइनस ऑड, राइट? ऑड माइनस 5 प्लस 3, ये भी इवन हो गया, राइट? जैसे ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड करोगे तो जैसे 3 3 9, राइट? ये आपका ऑड हो गया, 5 5 25 5 35, राइट? अब ऑड डिवाइड, राइट? 3 डिवाइडेड बाई 3, जैसे मान लो आपका 9 हो गया, राइट? और ये डिवाइड 3 हो तो कितना हो गया 3, राइट? ये आपका कितना हो गया 1, जैसे ऑड नंबर और लो, जैसे मान लो आपने 15 लिया, राइट? और इधर मान लो 5 लिया 3, भाई इधर ऑड ही आ रहा है क्या, ऑड डिवाइड ऑड, ऑड ही आ रहा है क्या, ऑड डिवाइड ऑड, ऑड डिवाइड ऑड, ऑड ही आ रहा है ना, राइट? ऑड ही आ रहा है ना, एक बार चेक करो तो, ऑड ही आ रहा है ना। वैलेंटाइन डे के दिन अगला सा कौन फील शुरू होगा दोबारा से? ऑड ही आ रहा है, ऑड ऑड इवन पॉसिबल, यस सर, ऑड ही आएगा। ऑड नंबर कोई सा भी ले लो ना, जैसे ऑड नंबर मान लो मैंने यहाँ पे ऑड नंबर क्या ले लिया, ऑड नंबर कुछ भी ले लो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 21 ले लिया, राइट? और 3 ले लो 7, हाँ ऑड ही हो रहा है। इवन प्लस ऑड, जैसे इवन मान लो आपका 2 ले लिया यहाँ, मान लो 3 2 प्लस 3 5, ये मान लो ऑड ही आएगा, राइट? ये भी मान लो आपका ऑड ही आएगा, इवन माइनस ऑड जो है ना फिर भी आपका ऑड ही आएगा। जैसे इवन मान लो 8 ले लिया और इधर मान लो 3 ले लिया, 5 ऑड आ गया। और इवन देखो, इवन इंटू ऑड, एक तो इवन आएगा, जैसे 5 2 या 10 इवन आ गया,
इवन इवन मान लो आपका 8 हो गया और ऑड मान लो आपका, इवन मान लो आप 18 हो गया और मान लो 36 हो गया, फिर आपका इवन आएगा, ठीक है, इवन ही आएगा, ठीक है, इवन ऑड। भाई इसमें थोड़ा सा ये सही है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा आप चेक कर लेना, बाकी सब सही है, ठीक है। कल मैं इसी पैटर्न पर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो इस बार भी यूपीएससी आपके एग्जाम से पूछी हुई है, राइट, ओके। तो फरफराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके मेरे प्यारे, जिसको नोट डाउन करिए, राइट। अन अकेडमी की तरफ से किसी को भी कोई भी कोर्सेस लेना, कोई भी ज्वाइन करना हो, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इतने सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, राइट। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, CSAT बाई संजय कुमार सा या CSAT स्पेस पोर्टल डेली MCQ, राइट। इसको सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसको सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। इतने सारे टॉपिक्स कवर होंगे, राइट। इसको स्क्रीन शॉट ले लो, इसको स्क्रीन शॉट ले लो, कोई भी बच्चा इसको स्क्रीन शॉट, देखो इसको प्लीज स्क्रीन शॉट ले लो और मुझे भेजना, राइट। इसको स्क्रीन शॉट लीजिए, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, हाउ टू, राइट। इसको चेक कर लीजिए, राइट, इसको चेक कर लीजिएगा, राइट। प्राइम नंबर, इसको इसलिए प्राइम नंबर को चेक करने के लिए, प्राइम नंबर को अगर आप चेक करना चाहते हो ना, प्राइम नंबर को आप चेक करना चाहते हो तो 6n+-1 से चेक करिए, जो 6n+-1 में आ रहा है समझ लो वो आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, राइट। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, जिसको भी अन अकेडमी पर कोई भी कोर्सेस में एडमिशन लेना हो, राइट, है ना, और आपको अन अकेडमी की तरफ से कॉल आती है, राइट, यू कैन प्लीज़ यूज माई रेफरल कोड SKS10, राइट, राइट, और आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि मेरे साथ आपको, मैंने क्योंकि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, अगर आपने सोच लिया हाँ अभी ऐप पर क्लास है तो आप जीत सकते हो, पैसे की दिक्कत है टेंशन नहीं लो, मेहनत करने का हुनर है, जोश है, जुनून है, तो आओ अन अकेडमी के पेड कोर्स के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं रहूँगा और मेरे साथ हमारे टॉप एजुकेटर्स होंगे, राइट, जहाँ पे मेरे साथ मेरी पूरी टीम के साथ, है ना, आपको सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, राइट, है ना, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, राइट, है ना। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो, ओके, अच्छे तरीके से, यू हैव टू यूज माई रेफरल कोड SKS10 ऑल सब्सक्रिप्शन किसी भी कैटेगरी में, आप इस कोड को यूज करिए, ज्वाइन करिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, राइट। प्राइम नंबर बता दो दोबारा, कल वाली क्लास देख लो, अभी अभी अन अकेडमी के ऐप पर क्लास रख, कल वाली क्लास देख लो, कल वाली क्लास, ठीक है, थैंक यू, कल होगी क्लास। अब वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, इतने कम बच्चे रहोगे फिर मैं भी क्लास नहीं कराऊंगा, ठीक है, लाइव में मैक्सिमम बच्चे होना बहुत ज़रूरी है, ज्वाइन करिए इस अन अकेडमी को, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, इसको शेयर जरूर करिएगा उन बच्चों की, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, आज और कल का, इसको 2-3 बार देखना, नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, अन अकेडमी के ऐप पे फॉलो कर लीजिए, मेरे कोड को यूज कर लीजिए SKS10, जिसको ज्वाइन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।